हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वेक्टर ग्राफिक्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने पिछले भी वीडियो में ये बताया था कि फ्री इमेज डाउनलोड, उसमें मैं इस वेक्टर का उपयोग किया था। इस तरह आप वेक्टर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, क्योंकि फ्यूचर का वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां से सर्च बार में लिखिए canva.com। अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैं canva.com में उस थंबनेल को बनाया था, या मैं HD थंबनेल कैसे बनाया जाता है YouTube के लिए या और भी प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैं कैनवा आपके लिए सजेस्ट किया था और आपके लिए बताया था। तो आप यहां से भी अगर आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब थंबनेल, तो इसमें भी आप वेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। या यहां से भी, या अलग से भी अगर आपको डाउनलोड करना है और इसमें यूज करना है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अलग से कैसे डाउनलोड किया जाता है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप सर्च बार में एक वेबसाइट का नाम लिखिए पिक्साबे। मैं आपको पिछले वीडियो में भी इसका बता दिया हूँ कि यहाँ से आप फ्री कॉपीराइट वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कॉपीराइट इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आज मैं बताऊंगा कि यहाँ से आप फ्री कॉपीराइट वेक्टर ग्राफिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज डाउनलोड करना है तो यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कीजिए। अगर आप वीडियो डाउनलोड करना है तो यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको वेक्टर ग्राफिक्स चाहिए तो यहाँ से वेक्टर ग्राफिक्स पे क्लिक कीजिए, और आपको किस कैटेगरी का चाहिए उस कैटेगरी का यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए, तो मैं कंप्यूटर यहाँ लिखता हूँ और इंटर दबा दूंगा। तो जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो आपको यहाँ से नीचे इस तरह का वेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस तरह का आपका वेक्टर, बहुत सारा आपको वेक्टर यहां से मिल जाएगा। आपके लिए जो बढ़िया होगा आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिस आपको मैं बता दूं कि आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है। मान लीजिए कि आपको इसी को डाउनलोड करना है, तो एक बार इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, और यहां से आपको दिखाएगा फ्री डाउनलोड। तो इस पर आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, तो यहां से आप अपना रेजोल्यूशन के हिसाब से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां से अगर आपको SVG चाहिए तो SVG भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ से 1280x770 डाउनलोड करता हूँ PNG फॉर्मेट में, यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मुझे ये कैप्चा सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो मैं कैप्चा पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए, ये कैप्चा सॉल्व हो गया। इसके बाद मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से ये कैप्चा डाउनलोड होने लगा, ये वेक्टर ग्राफिक्स डाउनलोड होने लगा। और भी यहाँ से बहुत सारा कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर और भी कुछ आपको चाहिए तो यहाँ से और भी किसी भी प्रकार का चाहिए तो आप यहां से वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से मैं लिखता हूं मोबाइल और इंटर दबाता हूं, तो मोबाइल से रिलेटेड ही आपको वेक्टर यहां पे दिखेगा। देखिए, ये भी परफेक्ट आपको जैसा ही आपको यहां से वेक्टर चाहिए ऐसा वहां आपको यहां से मिल जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए कि इसको भी डाउनलोड करना है, तो जो मैंने जो आपको बताया था उसी तरह आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये डाउनलोड करना है तो इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए, तो फिर यहाँ से आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ तो फिर मुझे एक कैप्चा सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं यहाँ से कैप्चा पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए ये भी डाउनलोड होने लगा। अगर मैं इस पर इसको ओपन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का मेरे को दिखेगा। तो ये आप पिक्साबे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर और भी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से लिखिए इस तरह से वेक्टर ग्राफिक्स और इंटर दबा दीजिए। जैसे आप इंटर दबाएगा तो ये सब आपको एड दिखेगा। आप नीचे आइए और भी नीचे आइए तो यहाँ से आपको दिखेगा freepik.com।
और भी यहाँ के यहाँ पे वेक्टर स्टॉक डॉट कॉम, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो जैसे आप freepik.com पे आप क्लिक कीजिए, तो देखिए जैसे ही इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो यहाँ से बहुत सारा आपका वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इन सभी वेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारा आपका वेक्टर यहाँ से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर को आप उपयोग करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसके प्रीमियम वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं या इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, तो जैसे आप इसके फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ समय वेट करिए। जैसे आप कुछ समय का वेट करेंगे तो देखिए यहाँ से ये डाउनलोड होने लगा। तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो रहा है, इससे रिलेटेड और बहुत सारा भी आपको ग्राफिक्स मिलेगा। तो आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अगर और भी आपको ग्राफिक चाहिए तो यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे आपको वेक्टर फोटोज क्या चाहिए, इसके बाद प्रीमियम चाहिए, फ्री चाहिए, या आपको शॉर्ट बाय में पॉपुलर या रीसेंट, और भी यहाँ से आप कलर कौन सा चाहिए आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप वेक्टर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसके इस पर आप बैक कॉल करेंगे तो जैसे आपको ये एक वेबसाइट है vectorstock.com, देखिए ये मेरा ये खुल गया। देखिए अगर ये JPG से अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो मैं डाउनलोड किया हूँ वेक्टर, तो देखिए आपको इस तरह का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया ग्राफिक्स है। देखिए इस तरह का वेक्टर में आपका ये यही फायदा मिलेगा कि आप इसको कितना भी जूम कीजिएगा तो आपका जो इमेजेज है, इमेज की क्वालिटी कभी कम ही नहीं होगा। देखिए कितना भी आप जूम कर लीजिए इसको, और देखिए इमेज क्वालिटी जो है वह बहुत परफेक्ट होता है। इसीलिए आपको अगर आप अपने वेबसाइट में इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही आपको बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ से भी ये आपको डाउनलोड हो गया। एक वेबसाइट ये है vectorstock.com, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी बहुत सारा वेक्टर इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आप नीचे आइए तो देखिए बहुत सारा आपको यहाँ से वेक्टर मिलेगा। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ इस तरह से कंप्यूटर, उसके बाद मैं यहाँ से देखिए कंप्यूटर जैसे क्लिक किया तो यहाँ से और चीज़ भी आ गई। जैसे मैं सिर्फ कंप्यूटर लिखता हूँ और यहाँ से सर्च करता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर लिख के यहाँ से मैं सर्च करूँगा तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा आपका वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इन सभी वेक्टर को डाउनलोड करके आप अपने थंबनेल में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर ये सब था इन दो वेबसाइट के माध्यम से, और भी वेबसाइट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कैनवा में अगर आप कैनवा में यूज करना चाहते हैं, एक तो बात है कि आप जो अलग से डाउनलोड कर दिए हैं उसको आप इसमें उपयोग करना चाहते हैं तो ये सिंपल है, सीधा आप अपलोड पे क्लिक कीजिए और अपलोड एन इमेज और वीडियो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल मेन्यू खुल जाएगा और आप जहाँ पे उन सभी वेक्टर को डाउनलोड किए हैं वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके, देखिए ये है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करके ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये अपलोड होने लगा। देखिए इसे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो है वेक्टर ये मेरा कैनवा में अपलोड हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप इसको कर लीजिए और इसे आप छोटा या बड़ा करके आप जहाँ चाहिए इसको लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये रहा आप अलग से डाउनलोड करके इसमें अपलोड करके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ से मैं ही उसको अपलोड करूँ, सॉरी यहाँ से ही मैं उसको क्लिक करके इसमें हम इसमें फिट करूँ, तो उसके लिए जैसे आप मोड पे क्लिक कीजिए तो यहाँ आएगा pixabay.com, Pixabay वेबसाइट खुला। अब तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेक्टर ग्राफिक्स, इस तरह से वेक्टर ग्राफिक्स और क्लिक कर दीजिए या इंटर दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ से भी आपको वेक्टर ग्राफिक्स मिल जाएगा।
तो देखिए उतना साल आपको यहाँ से जैसा आप चाहेंगे वो वैसा नहीं मिलेगा, तभी भी कुछ हद तक यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। और आपको आप जितने स्क्रॉल करेंगे नीचे उतना ही आपको मिलेगा, तो बहुत सारा मिलेगा। या यहाँ से आप सीधे कंप्यूटर वेक्टर ग्राफिक्स लिखेंगे इस तरह से और इंटर दबाएंगे तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे अधिकतर इमेजेस ही दिखा रहा है, वेक्टर ना ही दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ एक फोटोज का ऑप्शन है, इसका आप क्लिक कीजिए और सर्च बार पे क्लिक कीजिए तो यहाँ जो है वेक्टर ग्राफिक्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे आप वेक्टर ग्राफिक्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा यहाँ से वेक्टर आपको दिखा देगा। इसमें बहुत सारा माध्यम है, जहाँ से भी आप चाहिए वहाँ से भी वेक्टर को यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। बट मैं बता दूँ कि कैनवा में अगर आप वेक्टर उपयोग करना चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन ही लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए आपको इतना सारा वेक्टर मिल रहा है बट ये कोई भी फ्री आपको यहाँ से नहीं मिला है। देखिए सब पर आपको यहाँ से डॉलर का साइन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये चाहिए तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये तो यहाँ पे ओपन तो हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ से आप इसका उपयोग तो कर ही सकते हैं इस तरह से, बट इसके यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव वाटर मार्क। जैसे आप रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको बता रहा है कि $1 में इसको आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्री नहीं है, अगर आप कैनवास वेक्टर को अपलोड करना चाहते हैं तो इसको आपको डाउनलोड करके ही उपयोग करना होगा। जैसे आप एक एलिमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट में भी आपको वही यहाँ पे सर्च बार में आप अगर आप लिखेंगे वेक्टर तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं पिछले वीडियो में इसका उपयोग किया था इस तरह से, तो वो फ्रेंड्स क्या था कि मैं इसी में वेक्टर लिखा था तो वो वहाँ से वो दिखा दिया था। तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, जैसे ये रहा वेक्टर, आप यहाँ से जिस तरह से चाहिए इस तरह से आप जूम करके आप अपना एक थंबनेल बना दीजिएगा या आप इसी में इस तरह से लिखिए वेक्टर ग्राफिक्स इस तरह से, या सीधा आप लिखिए इस तरह से कंप्यूटर वेक्टर ग्राफिक्स और इंटर दबा दीजिए तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा आपको ग्राफिक्स वेक्टर ग्राफिक्स मिलेगा। बट देखिए सब पेड है। तो यही है, अगर आप फ्री में उपयोग करना चाहते हैं, देखिए कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इस तरह का वेक्टर बट फ्री मिलेगा। बट देखिए जहाँ तक है कि आपको प्रो में ही मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और इसमें अपलोड कीजिए और फिर आप इसका उपयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लग गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।